हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम गुलाम का नियम क्या होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे गुलाम के नियम का परिचय, परिभाषा एवं इसका वर्णन। तो चलिए देर न करते हुए आज का इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं नियम के नाम का। तो गुलाम के नियम का नाम क्या है? तो गुलाम के जो नियम है या नियम को गुलाम का नियम या गुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम के नाम से जाना जाता है। ओके, किस नाम से जाना जाता है? तो गुलाम का नियम या गुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम का प्रतिपादन कब किया गया या कौन से वर्ष में किया गया, तो उसकी बात करें तो गुलाम का नियम या गुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम का प्रतिपादन वर्ष 1785 में किया गया था। ओके, अगला है, अब बात करते हैं प्रतिपादन किसने किया या किसके द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक या भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन गुलाम ने गुलाम के नियम का प्रतिपादन किया। इसलिए इस नियम को गुलाम का नियम या गुलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब गुलाम ने इस नियम का प्रतिपादन क्यों किया? तो गुलाम ने दो आवेशों के मध्य या बीच लगने वाले बल की मात्रा या बल का मात्रा ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया। क्यों किया गया? तो गुलाम ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की मात्रा या परिणाम को ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया। ओके, अब देखते हैं गुलाम का नियम क्या होता है। तो गुलाम ने सन 1785 में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की मात्रा या परिमाण को ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने नियम दिया। उनके नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वह उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गुलाम ने कहा। ओके, तो गुलाम ने क्या नियम दिए? उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है वह उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं। तो पहला बिंदु आवेश को हम मान लेते हैं Q1, ओके, एवं दूसरे बिंदु आवेश को हम Q2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या मान लें? तो R मान लेते हैं। ठीक है, अब गुलाम के नियमानुसार ये दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश है क्या Q1 है, मान लीजिए एक Q1 है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक निश्चित दूरी पर या R दूरी पर आपका क्या है Q2 स्थित है। ठीक है, इनके बीच की दूरी को किससे डिनोट किया गया? तो R से डिनोट किया गया या R माना गया। ठीक है, तो गुलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, यहाँ पे बल को हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, F बराबर क्या होगा आपका बल। ओके, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य या बीच लगने वाला जो बल होता है वह उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ये जो बल है, ये जो F है, वो क्या होता है उनके बिंदु आवेशों, बिंदु आवेश क्या क्या यहाँ पे, तो Q1 है और Q2 है, इनके गुणनफल के यानी Q1 गुना Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, अब इनकी बीच की दूरी क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है, तो इनकी बीच की दूरी क्या है, तो R है। ठीक है, तो तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो बल है वह इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के, बीच की दूरी क्या है R, तो R के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती को क्या लिखते हैं, तो F अनुक्रमानुपाती 1/R का स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार से नियम का प्रतिपादन किया। क्लियर, उन्होंने क्या कहा कि जो दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है वह उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये उन्होंने कहा। अब इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो चलिए उसको देखते हैं। दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो एफ
अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक है, और एफ व्युत क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, ये था, ठीक है। अब इसको आपस में मिलाने पर, ओके, तो जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एफ यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बटे में r का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को मिलाने पर ये आपका एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब इसमें से जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ इक्वल यहाँ पे के एक अनुपातिक नियतांक लग जाएगा, के इंटू Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, तो के आपका एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, ओके। अब ये तो था कूलाम के नियम का परिचय, परिभाषा एवं उसका वर्णन। आशा करता हूँ आप लोगों को कूलाम के नियम से संबंधित यह वीडियो पसंद आएगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।